हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर लगातार एक के बाद एक बोझ डाल रही है। कहां तो यह सरकार बार बार वोट लेने से पहले ये घोषणाएं करती रही कि महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानों का दूध 100 रुपये लीटर बिकेगा, गरीब आदमी को हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जाने क्या क्या घोषणाएं होती रही। परंतु जब से ये सरकार सत्ता में आई है, सबसे पहले डीजल के ऊपर 7 रुपया प्रति लीटर वैट लगाकर हर व्यक्ति की जेब को इन्होंने और हल्का किया है, क्योंकि डीजल हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। डीजल के रेट के बढ़ाने के कारण लगभग 2 से 2500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के आम आदमी का सरकार की जेब में गया। इसके बाद जन उपयोग के लिए इस्तेमाल में आने वाली स्टैम्प्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती है, स्टैम्प ड्यूटी को 100% तक अनेक स्थानों पर बढ़ा दिया गया। स्टैम्प ड्यूटी के बढ़ने से आम जनमानस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद एकमात्र जो आवागमन का साधन आम आदमी के लिए हिमाचल प्रदेश में है वह ट्रांसपोर्ट HRTC है, और ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए। मिनिमम किराया 5 रुपये से 12 रुपये कर दिया, सामान का किराया बढ़ा दिया, और जो राहत उसमें अलग अलग कैटेगरीज को मिलती थी उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया। यही नहीं, बिजली के ऊपर लगने वाला जो सेस है उसको बढ़ा दिया। बिजली के रेट को डोमेस्टिक, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तीनों जगह के ऊपर उसको भी बढ़ा दिया। उससे हर व्यक्ति की जेब के ऊपर बोझ पड़ा। इतना ही नहीं, अब आकर के हर व्यक्ति को जो निशुल्क पानी ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था उसको 100 रुपये नलके का रेट लगा दिया। अब उसके बाद सफाई दे रहे हैं कि जिसकी आमदनी 50,000 रुपये साल से कम है उसको कोई बिल नहीं लगेगा। हम ये जानना भी चाहते हैं और ध्यान में भी कराना चाहते हैं कि 50,000 रुपये साल की आमदनी का सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश का कोई भी पटवारी जारी नहीं करता है। अर्थात एक ऐसा तरीका निकाला, कहाँ तो ये मुफ्त में बिजली देने वाले थे, मुफ्त में पानी ऑलरेडी मिल रहा था, कहाँ तो ये शहरी क्षेत्र के अंदर भी पानी में राहत देने की बात किया करते थे, कहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ये और अलग अलग प्रकार से राहत, 1,00,000 सरकारी नौकरियां बेरोजगार युवकों को देने की बात करते थे, 1 साल में 5 साल में 5,00,000 नौकरियां देने की बात करते थे। आज चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये बार बार इस बात का हवाला देकर के प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए टैक्स पे टैक्स लगाकर और जनता को की दुश्वारियों को बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का विकास बंद है, लोन लेने का काम तेज गति से चला हुआ है, और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति की जेब के ऊपर बोझ डालने में वर्तमान कांग्रेस सरकार जुटी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल